अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपनी रेसिपी में आपको बहुत ही मज़ेदार यमी आलू गोश्त सिखा रही हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा, आप लोग ट्राई भी करेंगे। चले आए मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ। देखिए, ये हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक, मैंने ली है 3 अदद बड़ी सी प्याज, ये मैंने ली है, हल्दी पाउडर, किसी भी मिर्च और क्या कहते हैं नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल डाल रही हूँ मैं, मैंने 1/2 कप से ज़्यादा ऑयल लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें प्याज अपनी, प्याज चली गई हमारी इसके अंदर। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। ये मैंने 1 किलो बीफ लिया है और मैंने 1/2 किलो आलू लिए हैं जो एंड में मैं डालूंगी। चले अब मैं जो है हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें गोश्त डालूंगी। गोश्त चला गया, प्याज ब्राउन हो चुकी थी, गोश्त हमारा चला गया अच्छे में। अब मैं गोश्त को प्याज में ऑयल में फ्राई करूंगी। गोश्त मैं फ्राई कर रही हूँ, ये हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है अभी। मैंने प्याज में ऑयल में गोश्त फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट किया था, ये मैं वो डाल दूँगी। अब मैं लहसुन अदरक डाल के फ्राई करूँगी गोश्त को। अब डालेंगे हम इसे मसाले। हल्दी डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून घर के, ये हमारा हल्दी डाल रही है। डालूंगी उसमें किसी मिर्चें, डेढ़ टेबल स्पून में पीसी मिर्ची डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून में इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। गरम धनिया पाउडर, हमारा धनिया पाउडर जा रहा है 1 टेबल स्पून और 1/2। अब मैं गोश्त को भूनूंगी। गोश्त हमारा भुनाएगा। गोश्त हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी इतना कि गोश्त गल जाए। ये हमारा पानी गल गया, इतना पानी मैंने डाला है कि गोश्त गल जाए। गोश्त गलने के बाद
जब ये गोश्त गल जाएगा फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि अब आगे हम क्या करेंगे। हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। अब मैं इसमें आधा टी स्पून ना गरम मसाला डाल के अब मैं इसको भून रही हूँ। हमारा गोश्त भून रहा है, गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। हमारे इसमें आलू गल जाएंगे। मैं अब आलू डाल के इसको भूनूंगी। ये मैंने आलू डाल दिए और आलू डाल के अब मैं गोश्त को भून रही हूँ। गोश्त गल चुका है, अब हमारे आलू पानी डाल दिए इसके अंदर ताकि आलू हमारे गल जाएं। आलू गल जाएंगे उसके बाद मैं आपको देखें कितना खूबसूरत हमारा आलू गोश्त लग रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। और अब मैं फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ आलू गलने के बाद। हमारा आलू गोश्त बहुत मज़ेदार यमी तैयार है। देखें आप कितना खुश शक्ल और कितना मज़ेदार लग रहा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और जो है फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पानी डाल दिए इसके अंदर ताकि आलू हमारे गल जाएं। आलू गल जाएंगे उसके बाद मैं आपको देखें कितना खूबसूरत हमारा आलू गोश्त लग रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। और अब मैं फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ आलू गलने के बाद। हमारा आलू गोश्त बहुत मज़ेदार यमी तैयार है। देखें आप कितना खुश शक्ल और कितना मज़ेदार लग रहा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और जो है फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।